हमारा जो नेचुरल फ्यूल रिसोर्स है जैसे कि पेट्रोल और डीजल, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और इसी के चक्कर में जो है मैन्युफैक्चरर्स अब इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ द हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा HS500ER। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में, मैं हूँ प्रमीत, और देखते रहिए इस वीडियो को क्योंकि हम आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट एंड के बारे में। और सबसे पहले चीज़, जब स्कूटर आपको अप्रोच कर रही होगी या दूर से आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बिकॉज इसका साइज़ और ये जैसे बनी है ये एक ट्रेडिशनल स्कूटर की तरह ही लगती है। लेकिन डिस्टिंग्विश करने का एक ही तरीका है, पहली बात तो ये ग्रीन नंबर प्लेट, और दूसरी बात यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिलेंगे जहाँ पे लिखा है लिथियम पावर्ड हीरो इलेक्ट्रिक, और एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक का बैज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक हेडलाइट मिलता है जहाँ पे आपको दो बल्ब मिलते हैं, एक पार्किंग बल्ब और एक मेन हेडलाइट बल्ब। मेन हेडलाइट बल्ब जो है आपका LED है, और पार्किंग बल्ब हैलोजन है। पता नहीं क्यों हैलोजन दिया गया है इसमें, LED होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जो मेन हेडलाइट का LED बल्ब है वो काफ़ी एवरेज है, डिसेंट है, उसकी जो लाइट का थ्रो है वो मतलब इट्स ओके, सिटी यूज़ के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं है, बट अगर आप हाईवे पे चला रहे धीरे धीरे तो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको उसको मिलता है क्रोम के ब्रेक लीवर्स, और जो रेयर व्यू मिरर है वो काफ़ी अच्छे हैं, स्टेबल रहते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इसको दोनों साइड इंडिकेटर मिलता है, ये जो कलर है इसका ये कलर मैट फिनिश ग्रे बहुत ही अच्छा है इसको, और तो बेसिकली स्कूटर तीन कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे इसको मिलता है 12 इंच के व्हील्स, जो कि ये अलॉय व्हील्स हैं और ट्यूबलेस टायर्स हैं, काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग अलॉय व्हील्स है, ब्रश्ड एल्युमिनियम। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी है, ये स्कूटर फीचर करता है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये स्कूटर जो है साइड से भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी है, बोला था आगे से भी ये ट्रेडिशनल स्कूटर जैसी लगती है, तो साइड से भी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एंड दिस इज़ अ प्रीटी बिग स्कूटर। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ स्कूटर में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो आगे की तरफ आपको मिलेगा एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप स्पीड, ट्रिप मीटर्स और बैटरी इंडिकेटर देख सकते हैं। आपको टेल-टेल लाइट्स मिलेंगे इंडिकेटर्स के लिए और हाई बीम के लिए। यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक की एक बैजिंग मिल जाएगी ठीक स्पीडोमीटर के नीचे, और स्पीडोमीटर के चारों तरफ थोड़ा क्रोम प्रेजेंट है जो कि स्कूटर को थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। अब यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ये हेडलाइट का स्विच, और इधर आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है जहाँ पे आप अपना केबल डायरेक्टली लगाइए और फ़ोन या कुछ भी जो आप चार्ज करना चाहें वो ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। अब रखेंगे कहाँ, रखने के लिए यहाँ पे देखिए आपको जगह दी गई है, दोनों साइड पे फ़ोन, बॉटल, वॉलेट कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट का हाई बीम एंड लो बीम का स्विच मिलता है, हॉर्न और इंडिकेटर। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो इसका हॉर्न और इंडिकेटर का जो स्विच है वो इंटरचेंज कर दिया गया है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इंडिकेट कर रहे होते हैं तो गलती से आपसे हॉर्न दब जाती है, या फिर जब आप हॉर्न दबाना चाहते हैं तो फिर इंडिकेटर के स्विच को आप दबाने लगते हैं। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए अक्रॉस स्कूटर्स, बिकॉज थोड़ा यूज टू लगता है, मतलब थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगता है इन दोनों को, तो हॉर्न नीचे होना चाहिए, इंडिकेटर ऊपर होना चाहिए, जैसे होता है वैसे होना चाहिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मिलता है 140 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी अच्छी है। एंड दो को बैठा के भी ये स्कूटर आराम से एक स्पीड बम के ऊपर से जा सकती है, अगर आप बहुत तेज़ जा रहे, तेज़ वैसे उतनी चलती नहीं है, पर अगर थोड़ा स्पीड में जा रहे तो हो सकता है थोड़ा सा स्क्रिप करे, लेकिन ज़्यादा स्क्रिप नहीं करेगा। पीछे आप देखेंगे आपको मिलते हैं दो सस्पेंशन जो कि ग्रीन कलर में है, ऑन ईदर साइड से मोनोशॉक नहीं है इसमें, आपको ये ग्रे कलर बैज में यहाँ पे ऑप्टिमा का बैज मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे डीकैल्स मिल जाएंगे, और ये बड़ा सा एक ग्रैबल जो कि फिनिश्ड है सिल्वर में। बात करते हैं इसके सीट की, तो सीट जो है वो काफ़ी अच्छी है, राइडर सीट आप देख सकते हैं इतनी है, फिल इन सीट थोड़ी सी कम है लेकिन कुशनिंग सीट की डिसेंट है, दो लोग आराम से बैठ के स्कूटर पर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड इसको मिलता है कीलेस एंट्री, तो कीलेस एंट्री का मतलब ये है आप स्कूटर को लॉक कर सकते हैं, अगर आप कहीं पार्क करके जा रहे तो लॉक कर दीजिए, कोई छुएगा या स्कूटर को हिलाएगा तो स्कूटर आवाज़ करेगी, आते ही अनलॉक कर दीजिए। यहाँ पे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं स्कूटर को, यहाँ से आप ये दो बार दबाएंगे तो स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी स्कूटर कहीं पार्किंग में खड़ी है जहाँ आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे तो बस ये जो एक बेल बटन बना हुआ है इसको दबाते रहिएगा तो स्कूटर आवाज़ करती रहेगी। अब भाई चलिए बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में और बैटरी पैक के बारे में। तो स्टोरेज जितना मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, दो बैटरी हैं इसमें, दो एडवांस लिथियम आयन बैटरी जैसे ये कंपनी इसको बोलना चाहेगी। इसमें बेसिकली जगह है थोड़ा सा ही,
एक छोटा हाफ, छोटा क्या, एक हाफ पे हेलमेट किसी तरह फिट हो सकता है, उसके बाद भी आपको सीट जो है थोड़ा सा यहाँ पे लड़ेगा। लेकिन बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें जैसे कि मैं बोल रहा था दो लिथियम आयन बैटरी हैं। अब वो बैटरी को आप यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं, ये पॉइंट ए सॉकेट ए और सॉकेट बी दिया गया है ये दोनों जगह पे। अगर आप पार्क कर रहे हैं जहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट है आपका, तो बहुत बढ़िया, आपको बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिस या फिर घर पर ले कर जाना चाहते हैं बैटरी, तो आपको सिंपली इस लिड को उठाना है, ये जो लिड है, उसके बाद यहाँ से आपको ये सॉकेट अनप्लग करना है, बैटरी निकालना है और घर लेके जाना है। सिंपल, चार्ज करके वापस से वही प्रोसीजर जो आपने किया है उसको रिवाइंड कर दीजिए और बैटरी वापस जैसे ही आप लगाते हैं, अब जैसे ही लगाएंगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी, अगर आएगी तो, वैसे नहीं आती। वैसे पहली बार अगर चार्ज करके बैटरी लगाते हैं तो जैसी बैटरी लगाते हैं एक बीप करता है स्कूटर। आई गेस वो सेकंड बैटरी वहाँ लगा हुआ, इसीलिए सेकंड बैटरी जो है वो सेम प्रोसीजर है। इसको आप उठाएंगे, बैटरी को अनप्लग करेंगे, निकालेंगे, घर ले जाएंगे, ऑफिस ले जाएंगे और चार्ज करके वापस लगा देंगे। अब ये जो दोनों बैटरी की जो रेंज है मिला के ना, बेसिकली वहाँ पे एक स्विच दिया गया है बैटरी और बैटरी वन और बैटरी टू के लिए। तो बैटरी वन जो है अगर ड्रेन हो जाता है तो आप स्विच जो है दबा दीजिए, तो पावर जो बैटरी टू से ये मतलब पूरा स्कूटर पावर करेगी। तो बेसिकली जो बैटरी नंबर टू है वो एक रेंज एक्सटेंडर का काम करती है और इसका टोटल क्लेम जो रेंज है वो है 110 किलोमीटर ऑन अ फुल चार्ज। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्कूटर है इसका स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है अभी, तो हम लोग को इसको पता नहीं कर पाए कि कितना चलेगी, बट अंदाजे से मैं बोल सकता हूँ कि ये 90 से 100 किलोमीटर चल सकती है आराम से। डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हैं, आपका वेट क्या है, आप ज़्यादा स्लोप पे चढ़ रहे हैं या क्या, वो सब कुछ मैटर करता है। तो मिनिमम 80-100 के बीच में आपको रेंज मिल जाना चाहिए इसमें। एंड टॉप स्पीड इसकी है 42 किलोमीटर एन आर। अगेन मैं वो चेक कर नहीं पाया हूँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली स्पीडोमीटर चल नहीं रहा है इसका, बट 40-42 आज मेरे वेट के साथ आई गेस 40 के आसपास ही स्कूटर जाती है। दो लोगों को बैठा के थोड़ा टाइम लेती है जाने में, बट जाएगी ज़रूर। और स्लोप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बिकॉज स्लोप पे अगर दो लोग बैठे हैं तो ये स्कूटर जेन्युइनली 10 किलोमीटर अगर आप 40 पे आ रहे हो और ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आराम से ये स्कूटर स्लो डाउन कर जाएगा, लेकिन चढ़ेगा, बंद नहीं होगा, लेकिन बहुत धीरे आपको लगेगा कि आपको पैर नीचे रखने की ज़रूरत है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली 10-15 की स्पीड पे आ जाती है ये, बट ये धीरे 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 अपना काम कर देगी, चढ़ जाएगी। अब जैसे मैं बोला था 140 mm ग्राउंड क्लियरेंस, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो इसको मिलता है एक 550 वॉट का मोटर। अब जो बैटरी है वो 48 वोल्ट की है दोनों बैटरी, इसमें बोला था, और दोनों बैटरी आप एक साथ निकाल के दो चार्जर प्रोवाइड करते हैं, दोनों बैटरी आप एक साथ निकाल के चार्ज कर सकते हो। पीछे का जो मोटर है वो है 550 वॉट का मोटर जो कि पीक आउट करता है 1200 वॉट पे, एंड टॉप स्पीड 42 किलोमीटर, रेंज 110। एंड आप अगर एक चीज़ में बोलना चाहूँगा जो कि मेरे को नहीं लगा होना चाहिए कि जब आप स्कूटर ऑन करते हैं, क्योंकि आपने स्कूटर ऑन कर दिया, साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है, अभी तो मैंने मेन पे लगाया है बट साइड स्टैंड आपका लगाया है। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स का ऐसा है जैसे साइड स्टैंड लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या अगर इलेक्ट्रिक है तो साइड स्टैंड जैसे लगाएंगे तो आप अगर एक्सेलरेट भी करेंगे तो वो स्कूटर नहीं बढ़ेगा आगे। तो आप जैसे देख सकते हैं साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है और आप पीछे के व्हील पे नोटिस करेंगे, जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ आप देख रहे हैं स्कूटर चालू हो जाता है। अब ये जो है थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज अगर कोई बैठा हुआ है यहाँ पे साइड स्टैंड पे और स्कूटर गलती से चालू है, बिकॉज पता तो चलता नहीं कि स्कूटर ऑन है या नहीं है बिकॉज इट्स अ साइलेंट स्कूटर, तो जरा सा अगर आपने एक्सेलरेट कर दिया स्कूटर सीधा आगे की तरफ भागेगी, और इसका पिकअप जो है वो प्रीटी डिसेंट है, आगे भागेगी तो लेके गिरेगी आपको बिकॉज अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है आप रोक नहीं पाओगे हड़बड़ी के चक्कर में, बिकॉज इट्स अ फास्ट स्कूटर एंड ये निकल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल एक रिव्यू अगर दूं इसके जो बैटरी पैक और मोटर का, तो दो बैटरी हैं 48 वोल्ट के जो कि 4 से 5 घंटे लेते हैं चार्ज होने में, और वो एक टोटल रेंज प्रोवाइड करता है 110 किलोमीटर का जो कि उन्होंने क्लेम किया है। हम लोग कुछ क्लेम कर रहे हैं कि 90 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए बिकॉज डिपेंड करता है टायर में कितनी हवा है, वेट कितना है, क्या लेके जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, एक लोग जा रहे हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, और 80-90 के आपको रेंज मिलना चाहिए जो कि प्रीटी डिसेंट रेंज है, और इसका जो मोटर है वो पीक आउट करता है 1200 वॉट पे। तो दोस्तों ये थी हीरो इलेक्ट्रिक की ऑप्टिमा ER, देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश स्कूटर है और इस स्कूटर का रेंज भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस स्कूटर का जो प्राइस टैग है वो है 68,721 रुपीज़ जो कि एक शोरूम है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट है ये। तो अगर आपको ये स्कूटर पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस स्कूटर के बारे में कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तब तक के लिए मैं प्रोमिस साइन आउट करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।